अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं रतालू बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत अच्छे रतालू रहते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। मैं ये गुड़ और रतालू को उबालूँगी, उबाल के अच्छे से गले भर आपको बतलाऊँगी। और ये गुड़ बहुत फ़ायदेमंद रहता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं ये गुड़ 1 किलो ला के इसी तरीके से छोटे पीसेस बना के डब्बे में भर के रखती हूँ। और मैं ये 3 से 4 पानी से धो के रतालू को रख ली। अब मैं इसको उबाल के उबालने का तरीका बताती हूँ। अब मैं इसको उबालने के लिए पानी डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन थोड़ा 1-2 गिलास पानी डालना, अपने अंदाज से डालना, ताकि ज़्यादा भी पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। एकदम फरेरे से गला के खाए तो बहुत मज़े का होता। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा है कि कोई रतालू ना शक्कर से भी बनाते हैं, कोई गुड़ से भी बनाते हैं, मगर मैं गुड़ से बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते। आप लोग भी मेरी तरीके से एक बार बना के देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोग बना के देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ के लिए तो बहुत फ़ायदा है, रोज़ छोटा सा एक टुकड़ा भी खाए तो सेहत के लिए गुड़ बहुत अच्छा है, ताकि गर्मी के मौसम में भी अच्छा रहता है, ये सर्दी के मौसम में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है गुड़ डाल के बनाना रहता है। ये मैं चूल्हे पे रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अच्छे से रतालू गल गए बाद, ये गुड़ अच्छा सा पिघल गए बाद आपको बतलाऊँगी। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये रतालू बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब ये पूरा है ना गुड़ का पानी सूख गया है। कोई शक्कर में भी उबालते हैं, कोई गुड़ में भी उबालते हैं, लिहाजा मैं तो गुड़ में उबालती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं, देख सकते हैं गुड़ का शीरा भी सूख गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे रतालू उबल चुके हैं। अब मैं आपको चक्के बतलाऊँगी। बहुत नरम गल चुके हैं ये, बहुत गर्म भी है ये। अब मैं आपको चक्के बतलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत यम्मी 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 बना। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।